अस्सलाम वालेकुम, खैरियत। आज है ईद का दिन और अभी मतलब 7 बज रहे और 8:30 बजे जमात है ईद उल फितर की। और अभी मतलब मैंने परफ्यूम नहीं लगाया, तो पहले परफ्यूम लगा दो। और मतलब आज का ये देख लो यार, अपना पोशाक। खैर, नमाज का ड्रेस है, इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं। और ये देखो अपना शीर खुरमा आ गया और इसके अंदर खजूर। हाय हाय, मतलब कि बहुत ही मतलब उम्दा चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मतलब क्या ही बोलना है, इसके बगैर तो ईद मुकम्मल है ही नहीं। अभी नमाज़ का टाइम हो गया और ईदगाह की तरफ जा रहे और ये दिख रहे हैं थे अभी तो छोटे रहना, तो यही मसला है, सारे काम करना पड़ता। और यार एक बात समझ में नहीं आती, ये पैदल जाने में क्या मसला है लोगों को, क्यों गाड़ियाँ लगते हैं समझ नहीं आता। कम से कम ईद के दिन तो थोड़ा सा चल लो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहीं, इस्माइल अलैहिस्सलाम यहीं पैदा हुए, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम। क्या बोले अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक छोटू। अरे कमो, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अब तुमको बड़ी खुशी है। और यार ये देखो, ये दोनों ईद मिल रहे किस तरीके से। अलेखो क्या वल्ला। तो हमेशा की तरह बस यही हुआ कि मतलब नमाज़ हो गए, ईद की नमाज़ पढ़ के आए और फिर उसके बाद खाना खाए और फिर घर वालों से थोड़ी बहुत हंसी मजाक बातचीत करे और उसके बाद सो गए। और मैं जो सोया कि मतलब यकीन मानो, मैंने पूरे रमज़ान के महीने की कसर मतलब आज निकाल दी मैंने। खैर अभी मतलब असर का वक्त हो गया, मतलब पहले असर की नमाज़ पढ़ लेंगे। और यार अभी तक मतलब किसी से ईद भी नहीं मिले, तो इंशाल्लाह नमाज़ के बाद अपन ईद भी मिलेंगे लोगों से। और आज की अपना मतलब ये शुरखुरमे की 3rd शिफ्ट है ये। और यकीन मानो ये शुरखुरमे का नशा ना मतलब एक दो दिन में नहीं उतरता, मतलब कि ना मतलब बस एक आधा महीना तो बस चलते रहता है कि मतलब आने दो बोल के। और आज का मतलब सनसेट देख लो, बड़ा ही प्यारा है। मतलब मौसम भी इतना बड़ा प्यारा है ना, ठंडी हवाएं चल रही है, अबर है। और थोड़ा क्लोज से देखेंगे अपन, माशाल्लाह। तो अभी अपन जा रहे दावत में और मतलब कि 2 दिन पहले ही छोटे चाचा ने दावत दे दिए थे, सबसे छोटे वाले चाचा। और खैर मतलब चलो मैं भी ना पहले आउटफिट बता देता आपको आज का। और ये देखो अपना मतलब आज का दावत वाला आउटफिट। और अपन जाएंगे ये इयोन में। फाइनली पहुंच गए यहाँ पर और घर का मतलब मैं माहौल बता दूँ आपको। चलो इड्डी मिली आपको कितने मिले? 13,000 बस। 13,000 मिले थे, उसमें अभी जग गए तो 100 रुपये मिले थे, उसमें 100 रुपये ऐड करो। नज़दीक आओ इधर, हाथ ऐड करो, जितनी लिफ्ट ले लेना। हाँ ठीक है जी, बंद करो जल्दी, किसको मालूम है तुम। बोला यार चेक करो यार, ये बचपना मतलब ना, काश अपन अभी बच्चे रहते। कितने हो गए, गिनो पास। 500, 600, 700, 800, 900, 10,000 नहीं होते हो, 1,000 होते हो। 1,000 के आगे गिनने में 1,000 के बाद क्या था, 100 रुपये डाल दो। अब 1,000 हो गया ना, वापस से गिनो आप, 200, 400 करो। अभी 200 हो गए, 200 वो डालो, 400, 600 हो गए वो,
तो आपके पास 600 प्लस 1000 कितने हो गए? 1000 ये 600, ये 0, ये 0, ये 6, ये 1, 160, 1600। हाँ थोड़ा हार्ड हो रहा हूँ, पूरा फुल होगा। हाँ आज का चौथा शिरकुरमा। तो भाई साहब अपनी हो गई दावत ख़त्म फिल वक्त, और अब थोड़ी देर में मतलब घर पे चल जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैरियत? वाह कैसे? तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी घर वापसी हो गई, और अब यार 10:40 हो रहे हैं, और मतलब अब इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होंगी, क्योंकि अब वैसे कुछ बचा भी नहीं है, बस सो जाना है। तो इंशाल्लाह जल्द अगले व्लॉग में नए कंटेंट में मुलाकात होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।